ओ हेलो यूट्यूब मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माई बिग एप्रिन में और आज है थर्टी फर्स्ट दिसंबर यानी कि न्यू ईयर्स ईव सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्ज ईव एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर कमिंग टमोरो और आज मैं उठ चुका हूँ सुबह जल्दी अभी बज रहे हैं सुबह के साढ़े दस और मैं जाग चुका हूँ क्यों जागा हूँ मैं आज दो कारण है जागने के जल्दी पहला कारण मेरी छुट्टी है आज आज मुझे कोई काम नहीं करना आज होगी सिर्फ पार्टी 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 नहीं होगी कोई पार्टी बिकॉज हम लोग करेंगे बहुत स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो बिकॉज अगर आज हम नहीं करेंगे पार्टी तो आने वाले कई सालों तक हम करेंगे रेगुलरली पार्टी हमें रहना है सेफ अपने परिवार को भी रखना है सेफ ताकि ये जो कोविड है ये वायरस है ये ना फैले और हम सब रहे सेफ हमारी आपकी सबकी फैमिली सो so, जो मेजर कारण है जल्दी उठने का वो ये है कि मम्मी का इलाज चल रहा है Uh, जो है एक वैद जी से तो आज उन्होंने कहा था कि मम्मी के किडनी फंक्शनिंग टेस्ट कराने हैं सो so वो टेस्ट होगा बिकॉज़ कल हमें जाना है उन वैद जी को मिलने विद द टेस्ट सो so वो टेस्ट कराने के लिए हम निकलते हैं कोशिश करेंगे आज का पूरा दिन रिकॉर्ड करने की जिससे कि मैं आपको आज अपनी डोली डेली रूटीन जो है uh, वो शेयर कर सकूं सो so चलिए और जैसे कि ये कह रहा है आई कैन एंड आई विल सो आई विल आल्सो ट्राई बिकॉज आई नो आई कैन तो चलिए मिलते हैं जल्दी आगे इस वीडियो में अभी मैं हो जाता जल्दी से तैयार और जाते हैं मम्मी के टेस्ट कराने सो हम यहाँ पहुंच चुके हैं पश्चिम बिहार तो पीछे जो मार्केट है यहाँ पर मम्मी पापा गए हैं उनका टेस्ट कराने के लिए लैब है और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ गाड़ी में बिकॉज़ यहाँ पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है पीछे भी ट्रैफिक बहुत आता हुआ दिखेगा आपको अगर मेरा कैमरा इसको कैप्चर कर सके तो यहाँ से देखिए बहुत गाड़ी आती रहती हैं सो यहाँ मैं रुका हूँ ताकि ट्रैफिक में अगर कोई गाड़ी आती है निकलती है तो मैं जो है एडजस्ट करूँ और मम्मी तब तक टेस्ट करा करके अपनी आ जाएंगी सो so, जनरली uh, हम लोग यहाँ पश्चिम वहार की तरफ ही आते हैं टेस्ट वगैरह कराने बिकॉज यहाँ रहे हैं यहाँ की सारी मार्केट को जानते हैं सब कुछ और वहाँ इतना ज़्यादा अभी पता नहीं है हमें सो so, यहीं पर आकर के ये सब चीज़ें करते हैं तो ये टेस्ट करा करके कर आते हैं और आगे जाते हैं हम देखते हैं कैसे चलता है ये दिन और मैं आपको दिखाता हूँ अभी पश्चिम व्यार का ट्रैफिक तो ये देखिए ये जो ट्रैफिक है कैसे चल रहा है यहाँ पर तो बहुत हेवीली जो है ट्रैफिक रहता है यहाँ पर ये सारी पार्किंग है जो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ तो मैं गाड़ी से इसीलिए नहीं उतरा क्योंकि यहाँ पर ना पार्किंग जो स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है तो पीछे देखें बिल्कुल मेन रोड पर मैं खड़ा हूँ और मैं अंदर से ही कैप्चर कर रहा हूँ बिकॉज जैसे अगर कोई गाड़ी आती है निकलती है तो मैं जो है अपनी गाड़ी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकूँ तो देखिए मेरे आगे ऑलरेडी एक गाड़ी आ चुकी है लगने के लिए सो यहाँ ऐसा ही है आप अपनी गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते और जो है आपको ट्रैफिक के साथ करना पड़ेगा एडजस्ट फॉर द पार्किंग स्पेस सो so, गाड़ी को पार्किंग से निकालने के बाद अब बारी थी चश्मे लेने की तो चश्मे लेने के लिए हम गए हमारे एक बहुत ही पुराने ऑप्टिशियन के पास जो हमारे पुराने वाले घर के पास ही थे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्रेम्स जो है ट्राई किए बट मुझे जैसा फ्रेम चाहिए था वो मिल नहीं रहा था एक्चुअली मैं चाह रहा था एक वेफेयर टाइप का फ्रेम लेना जिसमें कि मैं फ़ोटोमेटिक आई थिंक कहते हैं उन ग्लासेस को वो लगवा लेता जो कि जो है धूप में जो है हो जाते हैं डार्क बट जिस तरह का फ्रेम चाह रहा था वो मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ थे सन ग्लासेज और मैंने उन्हें करना शुरू कर दिया ट्राई सो so, वो सन ग्लासेस मुझे दो सन ग्लासेज इनफैक्ट पसंद आ गए थे और उनमें मैं होने लगा था कन्फ्यूज़ और मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि कौन सा जो है फ्रेम लिया जाए सो so, अंदर से जो वो अंकल है जो इस शॉप के ओनर थे उन्होंने देखा तो उन्होंने आकर के मुझे एक जो है फ्रेम सजेस्ट किया जो इनफैक्ट मैंने लिया बाद में और उसे किया फ़ाइनल अदरवाइज़ ये वाला जो मैंने अभी लगाया ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था अगर वो नहीं लेता जो मैंने आज लिया तो मैं ये वाला ज़रूर लेता तो ये सन मुझे पसंद आ रहे थे मेरे फेस पर कर रहे थे सूट और पापा बहुत सेफ खेले उन्होंने बोला मैं यार समझ नहीं पा रहा कि कौन सा अच्छा लग रहा है तो मैंने फिर अपने अकॉर्डिंगली जो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया वो नई चीज थी मुझे लगी अच्छी और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में कि वो क्या है आई होप कि वो आप लोगों को भी आएंगे पसंद तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कौन से ग्लासेज हैं इस वीडियो के अंत में सो के फ्रेम्स हो चुके हैं फाइनल स्पेक्स के तो ये हमारे फ्रेम्स हैं और कर रहे है तो है so so, हैं रेडी तो अंकल कितने देर में हो जाएगा रेडी मिनट में सो पंद्रह मिनट में रेडी हो जाएगा सो हेलो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर और मम्मी का हो चुका है टेस्ट कल मिलेगी रिपोर्ट उसकी जिसे लेकर के जाएंगे हम वैद जी के पास और देखते हैं क्या होगा और मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख और मेरा मन है बहुत दिनों से नूडल्स खाने का जैसे चाउमीन मिला करती थी पहले तो अभी फिलहाल वो चाउमीन वैसे मिलती नहीं है जहाँ भी अब चाउमीन लेने जाओ वो पुराना टेस्ट नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ आज वो चाउमीन खुद से रिक्रिएट करने की और मैंने अपने चश्मे भी बनवा लिए हैं तो वो मैं चश्मे भी आपके साथ अभी जो है आपको अभी दिखा दूंगा अभी मैं मार्केट जाता हूँ लेकर आता हूँ कुछ सामान जो उस नूडल्स के लिए ज़रूरी है और करते हैं फिर बात आगे सो हेलो नूडल्स तो लेकर मैं आ गया हूँ अब काट लेते हैं हमारी सब्ज़ियाँ और तैयारी करते हैं अपने चाउमिन बनाने की सो नूडल्स मेरे ये रहे तो देखते हैं अपनी चाउमिन का ये कितना सक्सेसफुल अटैम्प्ट रहता है तो अब मैं काट लेता हूँ सब्ज़ियाँ और मिलता कुछ देर में, ये काट करते। अभी सबसे पहले काटते हैं ये प्याज सो so बेसिकली यहाँ सब्जियाँ काटना मैंने कर दिया था शुरू और बहुत बेसिक सी सब्जियाँ लेकर चला था मैं जिसमें थे प्याज और वो स्प्रिंग अनियन थे तो अनियंस का वाइट और अनियंस का ग्रीन दोनों था साथ ही एक गाजर कुछ पत्ता गोभी सो so यही बेसिक सी सब्जियाँ मैंने ली थी जिनको मैंने कर लिया था स्लाइस और जूलियंस काटे थे मैंने गाजर के और इन सब को यूज़ करने वाला था मैं अपनी चाउमीन में बिकॉज़ यही तो वो सब्जियां हैं जो हमने बचपन से खाई हैं अपनी चाउमीन के अंदर तो वही चीज़ें मैं डाल रहा था आज अपने इस रेसिपी में भी ताकि मेरा वो जो टेस्ट था जो मेरे टेस्ट बर्ट्स को है याद उसे मैं वापस बुला सकूँ तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा ट्रायल और यहाँ पर मैंने देखे उबाल ली थी अपनी नूडल्स सो ये नूडल्स कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं इनको मैंने पार बॉयल किया था लगभग सेवेंटी टू एटी परसेंट मैंने इनको कर लिया था बॉयल तो बिल्कुल रोलिंग बॉयल लाया था पानी में और इसको डाल करके निकाल लिया था दो से तीन मिनट में और तेल मैंने डाला था थोड़ा थोड़ा सा नमक डाला था ताकि जो है थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आपके नूडल्स में ही आ जाए और जब आप नूडल्स को सॉस में डालें तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट हो और जब ये हो गई थी बॉईल तो मैंने किया था अगला स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ठंडे पानी से धो लिया था अपनी नूडल्स को और सारा स्टार्च जो है निकाल दिया था नूडल्स से और इसके बाद एक खुले बर्तन में रख कर इसको कर लिया था ड्राई और डाल दिए थे ऊपर से थोड़ा सा तेल और यहाँ सब्जियाँ थी सभी सॉसेस को एक साथ मिलाने की तो यहाँ पर चिली सॉस टमेटो केचप सोए सॉस विनेगर इन सबको मैंने डाल करके पानी के साथ कर लिया था मिक्स और पतला करके एक बना लिया था एक रनिंग सा सॉस और अब कढ़ाई में डाला था तेल और बहुत ही गर्म कर लिया था उसको यही ट्रिक होती है हमारे पास चूल्हा बड़ा नहीं होता लेकिन हाई फ्लेम पर आप रखें और कढ़ाई के कोने कोने में आप तेल को डाल दें और अपनी सब्जियों का डाल कर ले जे जल्दी से फ्राई सौते होते ही डालेंगे हम अपनी नूडल्स को और नूडल्स डालने के बाद आप डालिए इसमें आपका जो आपने सॉसेस का मिक्सचर बनाया है और जल्दी जल्दी से आप हिलाएं टोंगस का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो नूडल के स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग रहे और बिल्कुल आपस में चिपके ना और सारा टाइम सिर्फ रेडी करने में लगता है बनाने में कोई टाइम नहीं लगता और ये प्रोसेस होते ही नमक काली मिर्च अजीनू मोटर डाले और आपकी नूडल्स हो जाएंगी तैयार और वही टेस्ट मिलेगा आपको सो so, देखिए एक एक नूडल अलग अलग बना है बिल्कुल जैसा मेरे टेस्ट बर्ड्स ढूंढ रहे थे ना टेस्ट ये एग्जैक्टली वही टेस्ट है जो मैं बचपन में खाया करता था और मुझे याद है सो so, मेरे टेस्ट बर्ड्स को तो मिल चुकी है वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था खुद बनाई है रिक्रिएट करी है और अच्छी जा रही है और मैंने इसको टेस्ट कर लिया है और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे तो चलिए इसको इन्जॉय करते हैं हम आप लोग खाना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं सो so, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है नूडल्स और मेरे बचपन का जो टेस्ट है वो मुझे मिल गया वापस और एग्जैक्टली आई एम सॉरी एग्जैक्टली वही टेस्ट है जो मैं ढूंढ रहा था बहुत टाइम से मगर ये मार्केट में टेस्ट अवेलेबल नहीं है जितने भी नूडल्स वाले उन्होंने रेसिपी आई डोंट नो ट्राई करती है वो रेसिपी बदल गई है तो वो चाउमिन चाउमिन रही नहीं है सो जो मैं टेस्ट रिक्रिएट करना चाहता था ना मेरी बचपन की चाउमीन का वो मैंने रिक्रिएट कर लिया है रेसिपी तो आप लोगों को दिखा दिया आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बहुत आसान है सिर्फ अपनी कढ़ाई को गर्म रखिएगा तेल पिघला मतलब तेल जो है उसके कोने कोने में होना चाहिए और अच्छे से ऑयली होनी चाहिए आपकी कढ़ाई जिसमें नूडल्स आपकी फिसल जाए वो चिपकेगी नहीं और बहुत बढ़िया बनेंगी और अगर हम बात करें फ़न फैक्ट की तो भाई फ़न फैक्ट तो ये है कि मुझे मेरी रेसिपी मिल गई है तो जितने भी ये नूडल्स वाले हैं मार्केट में जो नूडल्स के नाम पे नमक मिर्च मसाला डाल करके बेच रहे हैं भाई साहब सावधान हो जाए आपका एक प्लेट नूडल्स का ऑर्डर हो गया है कैंसिल हमेशा के लिए क्योंकि ये जो नूडल्स हैं बनेगी खुद घर पर खुद बनाएंगे खुद खाएंगे अगर आपको खानी है तो आप भी घर आए और बताएं कि वो टेस्ट है या नहीं बहुत ही मज़ेदार है तो मैं भी करता हूँ इस नूडल को इन्जॉय और मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में चलिए मैं कर लेता हूँ इसको फिनिश इससे पहले यूजी और अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं उछल करके ये कोना क्यों पकड़ लेता हूँ और यहीं पर वीडियोस क्यों शूट करता हूँ क्योंकि मेरा जो रूम है अभी बना हुआ है एक टिपिकल बैचलर्स रूम और टिपिकल बैचलर्स रूम क्या होता है अगर आप सोच रहे हैं तो टिपिकल बैचलर्स रूम होता है बिल्कुल मेजडअप फैला हुआ अनऑर्गनाइज और अगर एक शब्द ने कहें तो खलेरा पाया हुआ है बिल्कुल हर तरफ खलेरा पड़ा हुआ है और उसको संभालना होगा और उसके बाद मैं आपको अपने रूम को बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगा बट अभी खलेरे पाए हुए रूम में मैं आपको नहीं दिखाता इसलिए मैं पकड़ लेता हूँ ये कोना और करता हूं यहीं पर सारी शूटिंग सो ये कारण है मेरा यहाँ बैठने का और आप लोगों से बात करने का जी हाँ कैसा लगा ये सरप्राइज ये मेरे ने स्पेक्स जो कि बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं सनग्लासेस में ये मैग्नेटिक सिस्टम है जो कि आपके फ्रेम्स में जो है बिल्कुल चिपक जाता है और गिरता नहीं है तो ये जैसे कि मैं आज अपने स्पेक्स बनवाने गया था मेरे पुराने स्पेक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे थे तो मैंने ये नए स्पेक्स बनवाए थे सो वहाँ अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कुछ इस फ्रेम के लिए जाऊँ जो कि आपका साथ देगा एज अ स्पेक्स और जब आपको लगे धूप तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सन में और आप इसको लगा के बन सकते हैं हीरो <laughs> तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी बिकॉज मैं फोटोमेटिक जो है ग्लासेस लगवाने की सोच रहा था और मैंने फ्रेंड बहुत सारे देखे फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ट्राई करेंगे नई चीज़ है और अच्छा भी है और तो बहुत स्लीक है अगर आप देखें तो ऐसा लगता नहीं कुछ अलग सा है सो बहुत स्लीक स्मार्ट सा है और अच्छा लगा मुझे तो मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं ऑल इन ऑल अभी जब जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कितना ड्यूरेबल है कैसा है सब लेकिन मुझे नया नया में ये चीज़ अच्छी लगी सो so, आज यही सब किया मम्मी का कराया टेस्ट अपने जो है बनवाए स्पेक्स और बाकी आज मार्केट भी गए थे कुछ काम था सो so, वो चीज़ अभी आज हो नहीं पाई जिसके लिए गए थे होपफुली uh, अगर दोबारा जाएंगे तो उसे रिकॉर्ड करेंगे और मेरा फ़ोन जो था uh, उसकी जो है बैटरी डाउन हो गई थी तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया जब मार्केट में गए और बाहर गए सो बाकी देखिए टेस्ट बर्ड्स को तो मैं आज ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने सेटिस्फाइड और मुझे तो बहुत मजा आया मेरी जो है बचपन की यादों को रिए रिक्रिएट करके सो so, आज आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी वो कौन सी यादें हैं आपके बचपन की खाने पीने से रिलेटेड जो हम अपने बचपन में किया करते थे बट वो आज कल नहीं है और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग जो है रिप्लाइज आते हैं लोगों के और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उसको अगले वीडियो में करेंगे शेयर बिकॉज बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किए अपने बचपन में बट आजकल वो बच्चों को मिलते नहीं एक मुझे याद आती है एक टॉफ़ी अगर आप लोगों को याद हो कोकोनट का कुकीज़ आती थी आप लोगों को अगर याद है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आजकल बहुत सी वैसे कोकोनट कुकीज़ आती हैं लेकिन वो वो वाली बात जो कोकोनट का कुकीज़ में होती थी वो नहीं मिलती सो आई आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो कोकोनट का कुकीज़ खाई होंगी और और अगर आप लोगों को याद हो तो एक जो है किस्मी बार भी आती थी जिसमें एक साइड कोकोनट होता था वो भी बहुत अच्छी लगती थी सो so, ये कुछ मीठी यादें बचपन की जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अगर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें याद है जो आप अपने बचपन में किया करते थे इन्जॉय तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और फन फैक्ट तो वो फन ही था एक्चुअली जो मैंने आपसे बात की थी जो है नूडल्स की रेसिपी की तो आज एक फ़ैक्ट बात करते हैं सो फैक्ट वो इस तरह से है कि अगर अगर स्पेस में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या आप लोग जानते हैं कि उसकी डेथ डेड बॉडी जो होती है उसे नहीं लाया जाता अर्थ पे क्योंकि स्पेसशिप में कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जिसमें रख करके जो है एक डेड बॉडी को नीचे लाया जाए तो एक एयरटाइट कंटेनर में उस डेड बॉडी को रख कर स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है और स्पेस का टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे गिरता है तो वो जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे एक जो है आइस मतलब आइस में चेंज हो जाती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बॉडी आइस बॉम की तरह फट जाती है और उसके जो टुकड़े होते हैं वो वहीं स्पेस में बिखर जाते हैं सो so, ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी हिस्ट्री में आई गेस तीन इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे किसी की डेथ हुई है uh, स्पेस में सो so उनकी बॉडी वापस नहीं लाएगी सो so, आज का ये फन पैक फैक्ट जो है यहाँ ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो आया होगा पसंद तो हो। अगर आपको आया है ये वीडियो पसंद तो हमें दीजिएगा एक थम्स अप और और आज जैसे कि थर्टी फर्स्ट है सो so, मैं आप लोगों को बोलता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले नववर्ष की और आज न्यू ईयर्स ईव के लिए भी आप लोग पार्टी करें बट घर में रहें जैसे मेरी पार्टी तो हो गई उस नूडल के साथ और आप लोग भी ऐसे ही घर में पार्टी करें कोविड प्रोटोकॉल्स का करें जो है पालन और रहें सेफ अगले कई साल हमें करनी है पार्टी सो साथ करेंगे पार्टी नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएएंगे ऐश करेंगे और क्या लेकिन आज नहीं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बने रहे हमारे चैनल के साथ